हेलो गाइज, वेलकम टू इंजीनियर्स काड्डा। तो मैं आज आपको इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप के बारे में बता रहा हूँ। ये जो इंटर्नशिप है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, ये 2 वीक्स पहले ही लॉन्च हुई थी, पर मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जितना भी इंटर्नशिप है वो आप फ्री में कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। स्पेशल करके जो पाइथन CS वाले हैं वो तो ज़रूर ही करें इसमें, जिसमें आपको पाइथन जावा ये सब सीखने का मौका मिलेगा। कुछ कोर्स जो होते हैं वो 70-80 घंटे के हैं, कुछ 900 घंटे के, कुछ 700 घंटे के हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप वो कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें इनरोल कैसे करना है। बहुत बच्चों का क्वेरी था कि इन्फोसिस वाला इंटर्नशिप के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ऐसा कुछ आपका इंटरफेस होगा इस पेज का। इस पेज का इंटरफेस ऐसा होगा, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। मैं जो ये इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ऐसा कुछ करके आएगा, ये इंटरफेस खुल के आएगा। आप इसको सिंपली गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन गूगल से लॉगिन भी कर लीजिएगा तो उसके बाद भी आपको वहाँ पे फिर से पूरा नाम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नेम फिल करने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे नेम फिल ज़रूर से कर लीजिएगा। नेम फिल करने के बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आपसे पूछेगा कि आप 18 ईयर्स ओल्डर है या नहीं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। आप 18 ईयर्स ओल्ड ही होंगे अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो। सबमिट, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है टर्म्स एंड कंडीशन में, यहाँ आपको एग्री पे सेलेक्ट कर लेना है और आपको कंटिन्यू कर देना है, एक्सेप्ट। और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, तो सिंपली इसमें अपना जेंडर वगैरह डाल दीजिएगा। आप कौन से सिटी से आते हो वो सिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब आप ये बेसिक डिटेल्स में फिल कर लीजिएगा। एजुकेशन का जो नेम है, जो आपका जिससे आप अभी फ़िलहाल बीटेक कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो या कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का नाम खुद से फिल कर लीजिएगा। कल आपसे एफिलिएशन पूछेगा, ऐसा कुछ में बोलना नहीं था, आप स्टेट बोर्ड फिल कर दीजिएगा एफिलिएशन में। ग्रेड क्या है आपका, तो आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कोई भी पोस्ट होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल्सो रजिस्टर एज अ वॉलंटियर, इस पर कोई क्लिक नहीं करना है, आप सीधे इस पर आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ कुछ वीडियो खुलने के लिए आएगा, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अगेन आपसे पूछेगा आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आपका जो इंटरेस्ट है आप इसमें क्लिक कीजिएगा, नहीं तो सीधे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ आपसे पूछेगा आपका जो वेबसाइट है वो किस साइज़ में रहेगा, तो आप इसको क्लिक देख लीजिएगा अपना, आपके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग सूटेबल क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। जाके डन पे क्लिक कर दीजिएगा नीचे आके थोड़ा, फिर आपका जो फाइनल पेज है वो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ये आपका पेज खुल के आ गया, इसमें थोड़ा आगे स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें ये वाला आएगा, यंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सीरीज़, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इस पर एक्सप्लोर कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको दिख जाएगा, जैसे पहला है यंग पाइथन प्रोफेशनल, यंग जावा प्रोफेशनल, यंग इंडस्ट्री इंथुसियास्टिक बैंकिंग, यंग IoT प्रोडिजी। ये जो स्पेशली ये तीनों हैं, ये वाला यंग पाइथन प्रोफेशनल और यंग जावा प्रोफेशनल और यंग IoT प्रोडिजी, ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलेगा प्रॉपर, अगर अच्छे से आपने पूरा कोर्स किया है और आपने एग्जाम्स भी दिए हैं, लगभग 90% या 70-90% आपके मार्क्स आए हैं तो अच्छा मिल सकता है। ये यंग इंथुवास्टिक रिटेल और कैपिटल मार्केट, ये तो खैर जो इस चीज़ में वो फिल करेंगे। तो हम लोग जैसे आप यंग पाइथन प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए जो ये कोर्स है ये 712 घंटा और 11 मिनट का है। ये वाला जो यंग जावा प्रोफेशनल ये 965 घंटा और 30 मिनट का है, और यंग IoT प्रोडिजी जो है ये 13 घंटा 24 मिनट का है। इसको मैंने भी किया है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा A to Z, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यहाँ से आप स्टार्ट करने का ऑप्शन है, स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम्स होते रहेंगे आपके पर लेक्चर के बाद, और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो यही था इस इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। जिसको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का ये है कि जितने भी वीडियो जो इसमें अपलोड हुई है उसमें 33% लोग ही वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइबर है वो 33% ही देख के सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी जो 66% लोग हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी एक सब्सक्राइब से। थैंक यू। Thank you.